इंटरव्यूज की जब बात आती है तो कुछ ऐसी मिस्टेक्स है जो हम ना चाहते हुए भी कर देते हैं। यस, अब आप कहेंगे कौन सी मिस्टेक्स, हम तो हर चीज बिल्कुल टाइम पे करते हैं। नहीं, बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो हमें पता भी नहीं है जो हम कर देते हैं, तो आज हम डिस्कस करेंगे वही। हेलो एवरीवन, दिस इज सुगंधा एंड यू आर वाचिंग रेडी टू गेट अपडेट, और आज मैं लेकर आई हूँ 5 कॉमन मिस्टेक्स जो कि हम जॉब इंटरव्यूज में करते हैं। तो ज्यादा डिले ना करते हुए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और वो जो क्यूट से बेल आइकन उसको जरूर हिट करिए, बिकॉज ऐसे बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं आपके लिए जॉब इंटरव्यूज पे, कम्युनिकेशन स्किल्स पे, एचआर पे। और वीडियो अच्छा लगता है तो हिट अ लाइक बटन, बिकॉज दैट मोटिवेट्स मी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट इज बीइंग अ लेट कमर। ये एक मोस्ट कॉमन मिस्टेक है जो हम अक्सर करते हैं, चाहे इंटरव्यू वर्चुअल है चाहे इंटरव्यू फेस टू फेस है, दोनों में ही आपको ध्यान रखना है कि आपको रहना है टाइम पे। हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं यार इतने सारे कैंडिडेट्स आएंगे, जाते ही कोई हमारा इंटरव्यू थोड़ी हो जाएगा, होने दो, टीम को सेटल होने दो, हम आराम से पहुंचेंगे एक दो घंटे बाद और फिर जिससे कि हमारी बारी जल्दी आ जाए। बट ये एक बहुत ही गलत सोच है। आप अगर टाइमली जाएंगे तो सबसे पहले ये प्रोफेशनलिज्म क्रिएट करता है। जो टाइम आपको एलोकेट है उससे आधा घंटा पहले पॉसिबल है तो रीच आउट हो वहां पे। और सेम वे अगर वर्चुअल इंटरव्यू है तो अपना इंटरनेट कनेक्शन एंड एवरीथिंग, जो आपका मीटिंग टाइम है, ऑब्वियसली अगर वर्चुअल इंटरव्यू है तो आपको एक टाइम दिया गया होगा स्पेसिफिक, उस टाइम से पहले अपने सारे कनेक्शन एवरीथिंग चेक कर लें और उस समय जरूर लॉग इन करें बिल्कुल ऑन टाइम, जैसे कि उन्हें लगे कि आप टाइम के पंचबल हैं, आप प्रोफेशनल हैं, आप वैल्यू करते हैं दूसरे का भी टाइम और अपना भी टाइम। दूसरी चीज ये है कि अगर आप जा रहे हैं फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए तो सोच कर देखिए, जिस भी वे पे जा रहे हैं वहां पे आपको ट्रैफिक भी मिलेगा और फिर आप उस प्लेस पे पहुंचेंगे तो ऊपर तक पता नहीं कहां तक जाना होगा, लिफ्ट यूज करेंगे, वो ऑक्यूपाइड हो सकती है, सारी चीजें सोचिए तो थोड़ा थोड़ा टाइम 2-3 मिनट्स 5 मिनट्स 10 मिनट्स होते हुए बहुत टाइम हो जाता है। फिर आप वहां पे पहुंचेंगे, वहां पे फॉर्मेलिटीज होती हैं, फॉर्म फॉर्मेलिटीज होती हैं, वो सब करते करते बहुत टाइम हो जाता है, राइट। सो ये सारी चीजों का ध्यान रखते हुए आपको पहुंचना है टाइम से पहले, जिससे कि आप फ्रेशली सबसे पहले पहले इंटरव्यू देते हैं। आप खुद सोच के देखिए, आप किसी से सुबह मिलते हैं तो काफी फ्रेश एंड रिफ्रेशिंग साउंड करते हैं, और अगर डे के बाद में मिलते हैं तो थोड़ी सी एनर्जी लो हो जाती है और इंटरेस्ट भी कम हो जाता है। सो ट्राई आउट कि आप जो स्टार्टिंग के कैंडिडेट्स हैं कुछ 5-10 उसमें फॉल करें, जिससे कि आपका इंटरव्यू फ्रेश टाइम में हो जाए, राइट। नाउ सेकंड पॉइंट आता है बीइंग कैजुअल। कैजुअल इन व्हाट वे? कैजुअल इन टू वेज। फर्स्ट इज एटीट्यूड एंड सेकंड इज अटायर। नाउ एटीट्यूड और अटायर को हम अलग अलग क्यों बात कर रहे हैं? एटीट्यूड इज साउंडिंग टू कैजुअल कि यार ठीक है, मुझे नर्वस फील नहीं करना, मैंने तो इंटरव्यूज देखे थे कि बी कॉन्फिडेंट। सो यू आर सो कूल टाइप, यू आर लुकिंग लाइक अनप्रोफेशनल, दैट शुडंट बी देयर, ओके। आपको ऑब्वियसली प्रोफेशनल वे में रहना है, यू हैव टू साउंड, यू हैव टू लुक कॉन्फिडेंट, बट नॉट इन अ कैजुअल वे, दैट आप किसी भी एटीट्यूड में किसी भी तरीके से चले आ रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं वहां पर, एंड यू आर साउंडिंग एज इफ यू आर वेरी कूल, दैट इज एन अनप्रोफेशनल वे। आप किसी भी पोजिशन के लिए जा रहे हैं, आप एक कैंडिडेट हैं और वो एम्प्लॉयर है, ओके, और आपको वहां जॉब फाइंड आउट करनी है और वहां पर भी जब काम करना है तो प्रोफेशनली करना है, राइट। सो इस चीज का ध्यान रखिए। और दूसरा है अटायर। नाउ इट्स वेरी बैड आइडिया कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है कि प्रोफेशनल अटायर क्या होता है या फिर प्रोफेशनल अटायर उस कंपनी का क्या है। बहुत ईजी है आज के टाइम में ये सर्च कर लेना कि कौन सी कंपनी कौन सा प्रोफेशनल अटायर फॉलो करती है। थोड़ी सी रिसर्च करेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि क्या प्रोफेशनल अटायर है, और ट्राई आउट कि आप उसी प्रोफेशनल अटायर में जाएं। अदरवाइज इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया कि आप कोई भी प्रोफेशनल अटायर वेयर आउट करें। टी शर्ट्स आर नॉट गुड, प्रिंटेड शर्ट्स आर नॉट गुड, राइट। सो ये चीजों का आप ध्यान रखें। ऐसे ही आप फीमेल्स हैं तो बहुत हैवी मेकअप आप पुट ऑन करें, या फिर कुछ बहुत अट्रैक्टिव कलर्स इस तरीके के ब्राइट पहने और थोड़ी ऑकवर्ड ड्रेसेस पहन के जाएं, थोड़ा शो ऑफ करें, दैट इज नॉट अप्रोप्रिएट। आप एक जॉब के लिए जा रहे हैं, जो प्रोफेशनल अटायर है उसको फॉलो करिए, अदरवाइज यू कैन हैव अ प्रॉपर शर्ट्स, प्लेन शर्ट्स विद अ ट्राउजर्स, वो हमेशा बहुत ही बेस्ट रहता है। अगर आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए जा रहे हैं तो यू कैन वेयर सूट्स और कुर्तीज, व्हाटएवर द प्रोफेशनल अटायर इज एज पर द इंडस्ट्री, राइट, या आप रिसर्च कर सकते हैं, ओके।
नाउ थर्ड इज इंटरव्यू रूम एथिक्स, जो कि सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक्स है जो हम लोग करते हैं। हम लोग एंटर हुए और बस हमें किसी ने बुलाया, हम इंटरव्यू रूम में एंटर हो गए, जाकर वहां बैठ गए। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो हम करते हैं। अगर हम खासकर थोड़े से मिड लेवल पोजीशंस पे हैं, सीनियर पोजीशंस पे ऑब्वियसली बहुत अच्छे से ग्रीप होके आप अंदर आते ही हैं, उसका फॉर्मेट डिफरेंट होता है। लेकिन मिड लेवल पोजीशंस पे हैं या फिर हम फ्रेशर्स हैं, तो ऐसा हम बहुत ज्यादा करते हैं कि हम एंटर अपने आप हो गए, अपने आप बैठ गए और फिर स्टार्ट कर दिया बोलना। दिस इज नॉट द राइट एटिकेट्स। व्हाट यू हैव टू डू इज, फर्स्ट ऑफ ऑल जब आपको बुलाया जा रहा है तो यू मस्ट आस्क मे आई कम इन। यस, ये हमें स्कूल्स में सिखाया गया है और ये एक प्रॉपर एथिक्स है। किसी भी रूम में एंटर होने से पहले यू हैव टू आस्क एंड यू शुड आस्क, आपको जरूर पूछना चाहिए। ये एक बेसिक एथिक्स है, किसी के भी आप स्पेस में एंटर हो रहे हैं तो उसे जरूर पूछिए कि मैं आ सकता हूँ अंदर या नहीं, या मैं आ सकती हूँ अंदर या नहीं। ओके, एंड देन जस्ट वॉक, ग्रीट देम वेल, हैव एन आई कॉन्टैक्ट और उसके बाद आस्क that whether you can sit or not, okay? वैसे normally यही होता है कि जब एक interview panel बैठा होता है तो वो अपने आप ही कह देता है please have seat, okay? Otherwise नहीं कहता है और थोड़ा सा time delay हो गया है, you just have to wait. अगर थोड़ा सा time हो गया तो you can ask and then you can sit. Now sit का क्या तरीका है? ये नहीं है कि जो एक chair है आप उसको इतनी बुरी तरीके से खींच रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा sound कर रही है, right? आप प्रॉपरली मैनरफुली उसको पुल कीजिए और उसके बाद वहां बैठिए एंड से थैंक यू। नाउ फीमेल्स के केस में नॉर्मली क्या होता है, वी आर हैविंग हैंडबैग, सो व्हाट यू हैव टू डू इज ईदर आप अपना हैंडबैग अपने नैप पे रख सकते और यू कैन कीप इट बिलो नियर टू योर लेग्स, बट इट्स अ वेरी बैड आइडिया कि आप टेबल के ऊपर जाकर अपना बैग रख दें, अपनी बिलोंगिंग्स रख दें। ऐसे ही सेम केस बहुत बार मेल्स के भी होता है, दे आर हैविंग बिग बैग्स, मे बी दे आर हैविंग लैपटॉप्स और समथिंग, सो इट्स नॉट अ गुड आइडिया कि आप जाके इंटरव्यू की टेबल पे रख दें। पहली बात तो ये होता है कि आपका थोड़ा सा पोर्शन ढक जाता है उनसे बात करते हुए, और दूसरा वो बहुत इनअप्रोप्रिएट लगता है बैग रखा हुआ टेबल पे, राइट? सो इस चीज का ध्यान रखें कि अगर प्रॉपर स्पेस है पास में तो आप वहां रख सकते हैं, अदरवाइज यू कैन कीप इट डाउन। ओके, उसके बाद आप अपना सामान रख चुके हैं, बैठ चुके हैं, अब क्या? अब आप कुछ भी बोलना स्टार्ट नहीं कर देंगे कि बाहर मौसम ऐसा है या फिर अपने बारे में कुछ भी बताना। डोंट स्टार्ट स्पीकिंग, फर्स्ट लिसन कि इंटरव्यू क्या कहने वाला है। इट माइट बी जब आप एंटर हुए हैं अंदर तो हो सकता है दे आर बिजी, 2-3 इंटरव्यूअर्स हैं, वो हो सकता है लास्ट कैंडिडेट के बारे में कुछ बात कर रहे हो या कुछ पेपर फॉर्मेलिटीज कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो डोंट इंटरप्ट देम। ओके, वो ऑब्वियसली आप अंदर एंटर हुए हैं तो वो आपको एंटरटेन करेंगे, मींस आपसे बात करेंगे आगे। ओके, सो हैव पेशेंस, उनके क्वेश्चंस का वेट कीजिए और तब रिस्पॉन्ड कीजिए, राइट? कॉन्फिडेंस दिखाने के चक्कर में ये गड़बड़ नहीं करिए कि आप कुछ भी बोलना अंदर स्टार्ट कर दें, राइट? नाउ नेक्स्ट आता है फोर्थ, एंड दैट इज कोटिंग लर्नड इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। नाउ मैंने भी अपने वीडियोस में हर बार ये बोला है कि इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, बट उनको प्रिपेयर करने का मीनिंग क्या है? एज इट इज लर्न करें और वहां सुना दें? नो, ये कोई ओरल टेस्ट नहीं है, राइट? यू हैव टू प्रिपेयर इंटरव्यू क्वेश्चंस वेल, लेकिन उनको इतने फ्लो में ले आइए कि वो आपकी लैंग्वेज में फ्लो में बोले जाएं। वो आपको लर्न करके उन्हें सुनाने नहीं है, राइट? सो ये एक डिफरेंस है लर्न क्वेश्चन आंसर्स बोलने में और फ्लो में बोलने में। बहुत अच्छे से मेमोराइज करिए और उनको इतने फ्लो में ले आइए कि आप फ्लुएंटली जब वो क्वेश्चन पूछे जाए तो उनके आंसर दे सके। और दूसरी चीज, उनमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी रखिए कि क्वेश्चन अगर थोड़ा सा चेंज है तो उसको आप चेंज कर सके। ऐसा ना हो कि एज इट इज किसी क्वेश्चन का आंसर उठा के बोल दिया और उन्होंने कुछ और पूछ लिया। ओके, सो ये डिफरेंस है, आई होप सो ये आपको समझ आया होगा। नाउ नेक्स्ट इज फिफ्थ पॉइंट और ये है रिसर्च एंड आस्क। एक सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो ये करते हैं कि जब हमसे ये कहा जाता है कि कोई क्वेश्चंस है हमारे लिए तो हम वहां पे नर्वस फील करते हैं। हम सोचते हैं यार इंटरव्यूअर हमसे पूछ रहा है, अगर मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे तो मैं शॉर्टलिस्ट नहीं होऊंगा, ये माना जाएगा कि यार ये तो बहुत तेज कैंडिडेट है, पता नहीं इसने क्या क्या पूछ लिया। सो आई एम रियली सॉरी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप क्वेश्चंस उल्टा नहीं पूछेंगे तो लगेगा कि बस ये तो अपने घर से उठ के आया और बस इसने इंटरव्यू दे दिया। कोई भी होमवर्क नहीं है, जॉब के लिए कोई भी बैकग्राउंड वर्क नहीं किया इसने और इसने कोई रिसर्च नहीं करी है। सो हैव अ प्रॉपर रिसर्च ऑफ द कंपनी, प्रॉपर रिसर्च करिए कंपनी की और उसके बाद क्वेश्चंस पूछिए।
नाउ आप क्वेश्चंस तभी पूछ पाएंगे जब आपने प्रॉपरली रिसर्च करी होगी. और हमेशा याद रखिए कि 3 से 4-5 क्वेश्चन कुछ प्रिपेयर रखिए, जिससे कि जब आपसे पूछा जाए तो आप पूछ सके. नाउ किस टाइप के क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं, तो यू हैव टू मेक देम फील एंथुजियास्टिक अबाउट योर जॉब रोल. और वैसे भी जेन्युइनली सोचिए कि जॉब में क्या करना है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और सारी चीजें तो आपको पता ही चलती रहेंगी, क्योंकि डेली में आपको काम करना है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता होनी चाहिए. तो यू मस्ट आस्क अबाउट योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज. कुछ डिटेल्स पे कुछ चैलेंजेस आप पूछ सकते हैं. ऑब्वियसली ऐसे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिल्कुल मत ब्लैंक पूछेगा, तो उन्हें लगेगा कि आपने जॉब डिस्क्रिप्शन रीड आउट नहीं करा है. उसमें से जहां आपको कुछ डाउट होता है उसको पूछिए. इसमें रिसर्च बहुत जरूरी है, अपना जॉब डिस्क्रिप्शन देखना बहुत जरूरी है. और दूसरी चीज क्या इंपॉर्टेंट है वो है चैलेंजेस. क्या इंपॉर्टेंट है कि हाउ कैन आई कंट्रीब्यूट फॉर द 5 years, लॉन्ग टर्म में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, क्या चैलेंजेस है, इस टाइप के क्वेश्चंस को रिसर्च करिए और फिर पूछिए. राइट, आई होप सो मेरी तरफ से ये डन है. मैंने अगर कुछ मिस किया है तो प्लीज मेंशन करिएगा, मैं खुद भी अपडेट होना चाहूंगी रेडी टू गेट अपडेट की तरह. और हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करके जाइए, बिकॉज बहुत सारे वीडियो आपके काम के हो सकते हैं. आई होप सो यू आर लाइकिंग द वीडियोस. एंड कुछ भी फीडबैक है तो जरूर मेंशन करें, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट. ओके, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट. स्टे हैप्पी एंड सेफ, वेयर मास्क. बाय बाय.